Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة وذكر الله كثيرا أسوة حسنة وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا إيمانا وتسليما إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم الفاتحة अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद रमज़ान की सहरी की ट्रांसमिशन, आज जुमेरात का दिन है, मुबारक दिन है और लाहौर में बहुत सारे खुश नसीब हैं जो जुमेरात की जो रात है या फजर की जो नमाज है वो हज़रत दातागंज वहाँ दाता साहब अदा करते हैं। बड़े खुश वक्त हैं जो जाते हैं, और लाहौर दाता की नगरी है और ये पाकिस्तान की सारी जो सरज़मीन है ये सूफिया की सरज़मीन है जी। आप वादी महरान की बात करें, आप पंजाब की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, अल्लाह वालों ने मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का पैगाम जो है वो दिया है। और यही वजह है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाने की कोशिश की उन्हीं का नाम है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जलाल वाले, वहाँ तो बड़ी वीरानी होती है, अल्लाह वालों के यहाँ ही रौनक नज़र आती। ये आज से करीबन मेरा ख़्याल 2007 से पहले की बात है, और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब मुल्क के सदर थे और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे। मैं आपकी वैसे याद दहानी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनका नाम आगे आएगा। हुआ यूँ कि हम दास्तान सराय में मौजूद थे, मुहतरमा बानो कुदसिया साहिबा तशरीफ़ फरमा थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतों में घर दे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माँ जी अगर किसी को गुस्सा आए तो उसे क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल था कि वो कोई जिस तरह, तो उन्होंने कहा काका जे किसी को गुस्सा है ना तो वो इंज करे कि फिर वो चीफ मिनिस्टर के सामने जाके गुस्सा कढ़े अपना। मैंने कहा मतलब वजीर आला पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, अच्छा। और साथ ही कहने लगी कि अगर इससे भी ज़्यादा गुस्सा है तो फिर सदर के सामने, परवेज़ मुशर्रफ के सामने गुस्सा निकाले। मैंने कहा ये कैसा इजहार है। तो कुछ देर बाद जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे समझ में आ गई बात, क्योंकि गुस्सा बेलुमूम आप देखें, वो कहते हैं बड़ा समझदार होता है, जब भी आता है अपने से कमज़ोर पे आता है। तो ज़रा कभी किसी डाडे से भी काट के देखो ना, फिर तानू भी पता लगे कि उसका जवाब क्या आता है। सो कहने का मकसद ये है कि हमारी रोज़मर्रा के मामूल में आप ये देखें कि वो माड़ा सा आदमी होगा, वो एक चपत लगाएगा, कोई दूसरी लगाएगा, और फिर चल सो चल सिलसिला। ज़रा आप किसी बड़े आदमी के साथ तो ये करके देखें, फिर देखें आपके साथ क्या होती है। ये एक रवैया है हमारा आपका, समझदारी है। ये नहीं कोई कहता, वो जो आप कहते हैं ना कि वो गुस्से में मुझे पता नहीं लगा, इसलिए कि आप कभी किसी बड़े आदमी पे गुस्सा आप नहीं निकाल पाते। क्यों? इसलिए कि आपको पता है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, इसके नताइज क्या निकलेंगे, जवाब में मेरे साथ क्या होगा। उसके मुकाबले पे एक ऐसा आदमी या एक ऐसा फ़र्द या कोई घर का एक ऐसा फ़र्द जो आपको लगे कि यार ये डिपेंडेंट है, वहाँ सीधे आप वो रहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि वाकई गुस्सा बहुत समझदार होता है, जब भी आता है अपने से कमज़ोर पर आता है। और मैं आपको बड़े अदब से ख़ातिन हज़रात ये बात आपकी खिदमत में गोश गुज़ार करूँ कि जो कमज़ोर आदमी है और जो कमज़ोर फ़र्द है उसके बारे में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि उसकी पब्लिक रिलेशनिंग नहीं होगी। वो अगर कहीं कंप्लेंट कर सकेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत से रुजू करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी बेआवाज़ होती है। इसलिए कमज़ोरों के मामले में अपने अपने गुस्से पर मेहरबानी करके काबू पाएँ, और अगर बहुत ही गुस्सा है तो फिर किसी डाडे पे, किसी बड़े आदमी पे गुस्सा निकालें, ताकि फिर आपको भी पता लगे कि गुस्सा करने का क्या नतीजा निकलता है। आइए नशीद का कोई ऐसा कलाम सुनते हैं जिससे हम, हमारे दिल भी नरम हो और हम भी किसी कैफियत में जाएं और कोई भली बात कहें, कोई भली बात सोचें, किसी भले लतीफ़ ख्याल की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, इत्तेहाद रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन हम आपके साथ हैं। यहाँ एक बात आपने देखी होगी और ये हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर भी है। बिलुमूम जो टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र आते हैं, जिनको आप स्टार कहते हैं या जिन नामों पे भी आप याद करें, वो कहते हैं हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। वो फिर उनके कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स भी बन जाते हैं। अच्छा, फिर वो चूँकि इन्फ्लुएंशियल होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें परमिसिबल हो जाती हैं बिलुमूम। जैसे वो अगर चीखें, चिल्लाएं, किसी पे गुस्सा निकालें, जैसे हमारा क्रू इस वक्त प्रोडक्शन के लोग हैं, लाइट का मसला है, कोई भी है, तो वो गुस्सा निकल आ जाता है और आ जाता है। लेकिन उनको नहीं कोई इसलिए कहता कि वो आपको लगता है कि बिलुमूम वो एक ताकत रखते हैं, एक अथॉरिटी रखते हैं। तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन बाज़ वक्त वाकई पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर जब आप ये कहें ना कि वाकई पता नहीं लगता, तो फिर जिस वक्त पता लग जाए ना, उस वक्त फिर उसकी माजरत बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके उस गुस्से के इजहार से किसी का दिल दुखा है और कोई बहुत खुदा न खास्ता आप किसी की बेइज्जती का आपने सामान किया, तो फिर उसकी माजरत बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि फिर वो जब तक आप उस कंसर्न्ड आदमी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी माफ़ी जो है वो नहीं मिलती। और हमने इस ट्रांसमिशन के मुख्तलिफ नशिस्तों में ये बात बारहा हुई कि जो तलवार का ज़ख़म है वो भर जाता है, लेकिन ज़बान का ज़ख़म जो है वो नहीं भरता। तो जिस के पास भी जो जितने बड़े अफसरान होते हैं, जो जितने बड़े उहदों पर होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। और इसीलिए उनकी तरफ से ज़्यादा कंपोजर और ज़्यादा कंपैशन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इज़्ज़त दी है, एक मकाम दिया है, तो इस मकाम का तकाजा ये है कि उनमें मज़ीद आजिज़ी और इनकसारी आए। और अगर आजिज़ी और इनकसारी नहीं आती तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो जो नेटवर्किंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई तार जो है वो शॉर्ट हो रही है। और जब कोई तार शॉर्ट होने लगती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है वो उड़ जाता है और वो जल जाता है। तो ऐसे वक्त से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हाई वोल्टेज से हमें महफूज रखे, वो चाहे गुस्से ही की हो। तो आप देखिए प्रोग्राम पयाम-ए-इत्तेहाद, हमारे स्कॉलर्स एक बैठक, एक मुख्तसर नशिस्त करते हैं यंगस्टर्स के साथ। उसमें सवालों जवाब का सिलसिला भी होता है, उनके पूछे गए सवालों की बदौलत हमें भी जवाब मिल जाता है। तो आप देखिए प्रोग्राम पयाम-ए-इत्तेहाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्रोग्राम पयामे इत्तेहाद के साथ एक बार फिर खुश आमदेद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के प्रोग्राम का टॉपिक और उन्वान है दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले ये नुक्ता समझना नहायत ज़रूरी है कि इस्लाम दरअसल उस मुअतदिल निज़ाम हयात का नाम है जिसमें हर इंसान को कुछ बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान और हदीस, शरीयत इस्लामिया, बिलखुसूस सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात हमें मालूम होती है वो ये कि इंसान को कभी दूसरे के मामलात के अंदर इस अंदाज में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए कि उसको ज़हनी तौर पर किसी कोफ्त का, बोझ का एहसास हो या उसके बुनियादी हकूक़ सल्ब हों या वो ये समझने लगे कि शायद मुझे कमज़ोर, नाकारा और कम अकल समझा जा रहा है। दूसरों के मामलात के अंदर इस अंदाज की दखल अंदाजी को इस्लाम ने ममनू करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से चंद मिसालें पेश करने से पहले कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हुनाफा, यकसुई। अल्लाह को कौन से लोग पसंद हैं? जो यकसू होकर अपना काम करते हैं। ये हुनाफा कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम की तरफ नहायत मुतवज्जे होते हैं। ये किसी के किसी भी मामले की तरफ कोई दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को इनकी मदद की ज़रूरत होती है तो ये आगे बढ़ते हैं। दखल अंदाजी एक गलत और नाजायज़ ममनू है और एक दखल अंदाजी अच्छी है। नाजायज़ और ममनू कौन सी है? सूरह हुजरात में जिसको बयान किया गया है, वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की टोह में मत लगा रहे, तजस्सुस मत इख्तियार करो। फलाना क्या काम कर रहा है, उसने अभी क्या बोला, वो किसी और को क्या बात कह रहा होगा, उसकी टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या बात हो रही है, उसके पर्सनल इशूज़ के अंदर क्या क्या मामला चल रहे हैं। ये दखल अंदाजी, टोह लगाना, जुस्तजू के अंदर लगना और किसी के मामलात और उयूब को तलाश करना। सूरह हुजरात में अल्लाह ने वजाहत के साथ फरमा दिया, ला तजस्ससू, तजस्सुस मत इख्तियार करो। इसी तरह वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की बुराई मत बयान करे। आप क्यों किसी के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्यों आप किसी के मामलात, किसी के उयूब को आप उछाल रहे हैं? क्यों तनकीद का शिकार कर रहे हैं? गलत रवैया है, नाजायज़ तरीक़ा है। तो कुरान करीम में यकसुई का हुक्म दिया गया है, अपने काम से तवज्जो रखना, अपने काम से मतलब रखना। लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि दखल अंदाजी आम तौर पर तो बोला जाता है ये लफ्ज़ गलत माना के अंदर, तो गलत मामले के अंदर दखल अंदाजी, गलत अंदाज के अंदर दखल अंदाजी, ये तो ममनू है। लेकिन एक और मामला होता है कि आप देखते हैं किसी को कि वो किसी तकलीफ़ का शिकार है, किसी बीमारी का शिकार है, अब अगर आप दखल अंदाजी करते हैं, ये मुस्तहसन है कि आप जाकर के उसकी मदद करते हैं, आप उसकी माली हेल्प करते हैं, आप उसकी जिस्मानी मदद कर देते हैं, आप उसको किसी ख़तरे से बचा लेते हैं, ये तो ऐन इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो चाहे मज़लूम हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है, ज़ालिम की मदद कैसे? फरमाया, उस ज़ालिम को जुल्म से रोको, ये उसके साथ मदद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तरफ अगर आप आएँ तो आप देखिए, आपको नज़र आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई शख्स आकर के गुफ्तगू करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक अपने चेहरा अक़दस को, अपने चेहरा मुबारक को उस आदमी से दाएं बाएं नहीं फेरते थे जब तक वो आदमी अपनी बात मुकम्मल ना कर लेता। मोहतरम नाजरीन, कह लेना बड़ा आसान है और ख़ास तौर पर वो इंसान, वो हस्ती, वो ज़ात जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है, रईसुल अंबिया, नबी आखिरुज़्ज़मा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पूरी इंसानियत को चलाना है, कितनी मसरूफ़ तरीन हस्ती। लेकिन क्या शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर वसफ़ बयान किया जा रहा है, जब कोई शख्स बात करता तो जब तक वो अपनी बात मुकम्मल करके अज खुद चला ना जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुँह ना फेरा करते। इसी तरह एक और सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कभी किसी की बात को नहीं काटते थे। कभी किसी के मामले में दखल अंदाजी का मामला नहीं किया करते थे, कभी किसी के मामले के अंदर इस तरह का मामला नहीं करते थे कि अगले को बोझ महसूस हो, अगले को कोफ्त महसूस हो। हरगिज़ इस तरह का मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते थे। आज मोहतरम नाजरीन, दिल के दुख के साथ, सदमे के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी आदतें बद आ चुकी हैं और वो हमारी सोसाइटी और हमारे मुसलमानों के अंदर जहरीले असरात के साथ सरायत कर चुकी हैं, जिनसे फितने जन्म लेते हैं, जिनसे सवाए फसाद के और कोई खिदमत अंजाम नहीं दी जाती। वो क्या है? कभी एक के मामले के अंदर दखल अंदाजी करना, कभी दूसरे के मामले के अंदर दखल अंदाजी करना, इंतहाई बुरा वतीरा है। ये एक मुस्तहसन करीना है हयात, ज़बरदस्त अच्छा उम्दा शानदार सलीक़े ज़िंदगी नहीं हो सकता। बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज का नक्शा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खींचा है, और क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर उठते थे तहज्जुद की नमाज के लिए, सुराही मटके से पानी निकालते, और हर लफ्ज़ के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उस हदीस बुखारी के अंदर। क्या? काम रुवैदा, तवज़्ज़ा रुवैदा, इस्तयक़ज़ा रुवैदा, सल्ला रुवैदा। क्या मतलब? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो रहे, चुपके चुपके से वज़ू के लिए पानी निकाल रहे, चुपके चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला जानिमाज बिछा रहे, चुपके चुपके से, इस अंदाज के अंदर कि किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी की नींद के अंदर खलल ना आए। यहाँ काबिल गौर नुकता मोहतरम नाजरीन ये है कि घर मुबारक के अंदर कौन सो रहा है? खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये हुजरा मुबारक है। अगर वो उठ भी जाती तो उनको क्या तकलीफ़ होनी थी? कोई तकलीफ़ नहीं होनी थी। लेकिन ये सबक दिया जा रहा है उम्मत के तमाम इंसानों को, तुम इबादत भी करो, तहज्जुद भी पढ़ो, तो इस अंदाज़ के अंदर के दूसरे की नींद के अंदर खलल ना आए। शरीयत का मसला ये है, अगर तुम जिक्र करना चाहते हो, तिलावत करना चाहते हो, तो इतनी ऊंची आवाज़ के अंदर ना करो कि किसी की नमाज के अंदर तशवीश पैदा हो, किसी की इबादत के अंदर खलल पैदा हो। स्पीकर का इस्तेमाल है इस अंदाज़ में ना हो कि महल्ले की ख़वातीन को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, बच्चों को तकलीफ़ हो। इस्लाम सरासर रहमत है। अल-मुस्लिम मन सलीमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। असल मुसलमान ही वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ की ईज़ाओं से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये माशरती अक़दार हमको इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक से मुतालिक हमारे ये नौजवान भाई, स्टूडेंट साथी सवालात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन स्टूडेंट साथियों के सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर होते हैं। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज की गुफ्तगू का मौजू था दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी। इस टॉपिक से मुतालिक अगर हमारे ये नौजवान भाई कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम साहब, मेरा नाम मुताहिद चावला है। मेरा आपसे आज का सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में नींद में भी, लोगों की नींद में भी खलल नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो गीबत की तरफ लोगों की रुझान ज़्यादा नज़र आता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सही सवाल किया कि आज के ज़माने के अंदर गीबत का रुझान हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, और अगर गौर करें तो ये भी दरअसल आज के ही हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि जब आप किसी की गीबत करते हैं, गीबत से मुराद जब किसी की बुराई करते हैं, तो ये भी आप किसी के मामले में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि भाई तुम्हें किसी की क्या पड़ी है? तुम अपने मामलात को दुरुस्त करो, अपना अमल सुन्नत के मुताबिक करो। ये कहना फ़लाने में ये ऐब है, फ़लाने में ये ख़राबी है, फ़लाने के अंदर ये ऐब मौजूद है, फ़लाने में ये नुक्स मौजूद है, तो भाई क्या ज़रूरत पेश आई है? कुरान करीम वजाहत के साथ ये बयान कर रहा है। और देखें, एक मुस्लिम सोसाइटी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दी है, मदीना की ओपन सोसाइटी, उसमें किसी की बुराई बयान करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और किसी की बुराई बयान करना ये सोसाइटी के सुतूनों को और उसकी इमारत को मुनहदिम करने के मुतरादिफ है। कुरान करीम तो कह रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान भाई भाई हैं। तो क्या कोई सगा भाई किसी दूसरे सगे भाई की बुराई बयान कर सकता है? क्या उसका बुरा चाहेगा? हरगिज़ नहीं। तो मुसलमान एक दूसरे के लिए इसी तरीके से भाई चारे का ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मैं एक वाक़या आपको बयान कर दूँ कि कभी उनकी ज़ुबान से किसी की गीबत नहीं हुई, किसी की बुराई उनकी ज़ुबान से नहीं हुई। एक मरतबा किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप तो कभी किसी का जिक्र ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि देखो भी, अगर मैंने बुराई करनी ही है, गीबत करनी है, तो मैं अपनी माँ की क्यों ना करूँ। तो लोगों ने कहा हजरत ऐसा क्यों? कहा कि जो शख्स गीबत करता है कल क़यामत वाले दिन उसके तमाम के तमाम आमाल सालेहा जिसकी गीबत और बुराई की गई है उसे सारे आमाल दिए जाएंगे। मैंने आपकी बुराई बयान की तो मेरी नमाजें, मेरे रोज़े, मेरे आमाल से निकाल करके आपके खाते में लिखे जाएंगे। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना घाटे का सौदा कि मैं किसी की बुराई बयान करूं और उसके नतीजे में कल क़यामत वाले दिन मुझे अपने रोज़े देने पड़े, अपनी नमाजें, अपनी ज़कातें और अपने हज और अपने उम्रे देने पड़े, तो फिर ये काम मैं अपनी वालदा के लिए क्यों ना कर लूँ, कि मैं अपने आमाल अपनी वालदा को क्यों ना दे दूँ। तो पता चला कि ये याद रखें, हदीस के अंदर आता है मुफलिस कौन है। सहाबे कराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गरीब कौन है, मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह वो जिसके पास पैसे ना हो, माल वाल ना हो, वो मुफलिस है, वो गरीब है। फरमाया नहीं, असल मुफलिस और गरीब वो है जिसके पास बहुत सारी नमाजें थीं, बहुत सारे रोज़े थे, सदका खैरात, अच्छे आमाल सालिहा थे, मगर वो जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश हुआ, एक आदमी आया, उसने आकर के अल्लाह के सामने ये फरियाद की या अल्लाह इसने मेरी गीबत की थी, अब इसकी कुछ नमाजें उसको दे दी गई। दूसरा आया, मेरे साथ इसने गालम गलोच का मामला किया था, अब कुछ नमाजें उसको दे दी गई। तीसरा आया, इसने मेरा ये हक खाया था, अब कुछ नमाजें, कुछ रोज़े उसको दे दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये अल्लाह के सामने हाजिर हुआ था पहाड़ों के बकदर ये अजर सवाब वाले अपने आमाल सालिहा लेकर आया था और देखते ही देखते इसके सारे आमाल दूसरे लोगों को दे दिए गए। फरमाया असल गरीब इंसान ये है, असल मुफलिस इंसान ये है, बिल आखिर उसको उठाया जाएगा और फिर हुक्म दिया जाएगा इसे औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल दो। तो गीबत इंतहा दर्जे का बुरा, एक ऐसा मजमूम, एक ऐसा बदतरीन फेल है जिससे एक मुस्लिम माशरे की बुनियाद हिल जाती है, इस्लाम की इमारत हिल जाती है, मुसलमानों के दरमियान में तफरीका पैदा हो जाता है। जाहिर है इस्लाम इसकी कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। और कोई सवाल अगर करना हो। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि घर में नाचाकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जब कोई नई नवेली औरत घर पे ब्याह कर आती है तो हम देखते हैं कि माँ जो होती है बेटे की, वो उनके मामलात में दखलंदाजी करती है। यह हम देखा गया है कि बीवी माँ बेटे के मामलात में दखलंदाजी करती है। तो इस्लाम ऐसे इसके हवाले से क्या वईद सुनाता है? देखें, ये बात भी दरअसल पैदा होती है दूसरों के मामलात में दखलंदाजी करने से। एक बहू को शरीयत ने इस बात की कभी इजाज़त नहीं दी है कि वो अपनी सास के मामलात में, ससुर के मामलात में फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया, क्या ज़रूरत है ये दखलंदाजी करने की। इसी तरह एक सास को इस्लाम ने ये इजाज़त नहीं दी है कि वो बहू के मामलात के अंदर दखलंदाजी करे। बहू और उसका जो बेटा है, उसका जो शौहर है, वो मियाँ बीवी हैं, आपस के अंदर जिस तरह भी मामलात करना चाहें तो इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखो घरों के जो मामलात होते हैं उसमें बड़े चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है, बड़ा तवाज़ुन रखना पड़ता है, कपड़ों बहस करना पड़ता है, नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, अपनी तबई चाहतों को, मन की चाहतों को, दिल की तमन्नाओं और आरजुओं को दबाना पड़ता है। अगर आपने अपने नौजवान भाई की, नौजवान बहन की, माँ ने अपनी बेटी की कंप्रोमाइज़ करने की, रवादारी, सब्र और बर्दाश्त की तरबियत नहीं की है तो निकाह का ये इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता है। देखिए, निकाह के ज़रिए से एक इंस्टीट्यूट वजूद में आता है, एक इदारा वजूद में आता है और इदारे में 90% बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना होगा, तभी जाकर मोहब्बत की ये गाड़ी चल सकेगी। हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि फ़लाने ने ये बात क्यों कह दी, फ़लाने ने ये बात, ठीक है गलत किया, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ में ये बात भी जहन के अंदर रखें, अगर आपने इसी बात को बुनियाद बनाकर घर को बिगाड़ने की कोशिश की या घर को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर याद रखें ज़ाब्तों, उसूलों, कानूनों से ये घर नहीं चल सकता है, इसमें सब्र करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो घर की नाचाकियों का हल यही है, बर्दाश्त और सब्र करना चाहिए और दूसरों के मामलात में कम से कम दखल अंदाजी करें, आज़ादी दें, ताकि वो आराम के साथ जीना सीख सकें। इसी से घर के अंदर एक हुस्न पैदा होगा, इसी की कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। कोई और सवाल अगर करना हो तो फरमाइए। मौलाना साहब, मेरा नाम शाहरुख है और मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज भी इतनी एहतियात से पढ़ते थे कि घर के लोगों की नींद ख़राब ना हो, और आजकल जब दीनी ख़ास मौक़े आते हैं तो उस पर ये जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है और पूरे मोहल्ले की नींद और आराम वगैरह में खलल आता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या हुक्म है? जैसा कि मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की कि इस तरह बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना खिलाफ शरीयत है। आवाज़ इतनी रखनी चाहिए जितना मजमा सामने है, उससे ज़्यादा अगर आप आवाज़ को बुलंद करेंगे, बड़े बड़े स्पीकर इस्तेमाल करेंगे तो महल्ले में ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, मरीज़ हैं, ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, नातवा अफराद हैं, आपकी गुफ्तगू से उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दुआ भी आहिस्ता करने का कुरान ने हुक्म दिया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, खुफ़िया पोशीदा आराम से दुआ करें। तो जब कुरान की तिलावत, दुआ करने, ज़िक्र करने का इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि पस्त आवाज़ के अंदर हो, तो आप इतनी ऊँची लाउडली आवाज़ के अंदर अगर तकरीर करें तो ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। मुसलमानों का तरीक़ा यही होना चाहिए, दूसरों को अजियत और तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका अहतमाम करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, यहाँ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।